नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। आज बिहार की बात में बात कांग्रेस में मचे उपद्रव की। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय यानी कि सदाकत आश्रम पे आज हालात ऐसे हो गए कि कार्यकर्ता बेकाबू थे। यह कार्यकर्ता निखिल कुमार के समर्थक थे, लेकिन खुद निखिल कुमार भी इन्हें काबू नहीं कर पा रहे थे। घटना कुछ ऐसी हो गई कि शक्ति सिंह गोहिल बहुत विनम्रता से इनसे बात करने, इन्हें समझाने बाहर आए थे, मगर ये बेकाबू कार्यकर्ता कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की इस कदर हो गई कि शक्ति सिंह गोहिल के गिरेबान पर हाथ तक लगा दिया इन समर्थकों ने। जिसके बाद जो बाकी नेता थे वहां पर, उन्होंने किसी तरह कार्यकर्ता को रोका, शक्ति सिंह गोहिल को पीछे किया और फिर अंदर कमरे में जाने का की मांग करते रहे, मगर शक्ति सिंह गोहिल भी रुके रहे। उनका मानना था कि वो कार्यकर्ता को समझा पाएंगे, मगर कार्यकर्ता इतने बेकाबू थे कि लगातार नारेबाजी होती रही। नीतीश कुमार जिंदाबाद और शक्ति सिंह गोयल मुर्दाबाद के नारे लगे। और जो बिहार कांग्रेस की कमेटी है उसे यह समर्थक लालू का एजेंट बताते रहे। आखिर में निखिल कुमार ने ही शक्ति सिंह गोयल को अंदर भेजा और बाद में अपने समर्थकों पर ही नाराज हुए, उनसे पूछा कि आखिर आप इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इन तमाम घटनाओं पर और इनसे जुड़ी बातों पर आज हम करेंगे बिहार की बात। शुरू करते हैं इस सिलसिले को। ये जो घटनाक्रम हुआ ये इतना बढ़ता गया कि बाद में निखिल कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने मीडिया से भी कहा कि कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हैं। लेकिन अब इस घटना का खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन के कैंडिडेट को औरंगाबाद में उठाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बड़ी मशक्क़त के बाद इस सीट को अपने खेमे में लिया, अपने कब्जे में लिया और वहाँ से जदयू के पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मगर जिस कदर यह नाराज़गी फूट रही है, इससे यह तो साफ है कि वोट शिफ्टिंग की तो बात छोड़िए, यह कार्यकर्ता तो उपेंद्र प्रसाद और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को हराने के लिए काम कर रहे होंगे। महागठबंधन में ऐसी घटनाएँ पहले भी हुई हैं। 2014 के भी चुनावों का एनालिसिस करें तो कई सारी ऐसी सीटें थीं जहाँ पर कांग्रेस राजद में आपसी फूट हो गई कार्यकर्ताओं में और उन्होंने एक दूसरे के लिए वोट शिफ्टिंग और प्रचार करने के बजाय हराने का काम किया। कार्यकर्ता बताते हैं कि कहीं ना कहीं इसका भी फायदा एनडीए को कई जगहों पर मिला था। इस बार तो और सारी पार्टियां हैं और उधर रालोसपा ने जब से अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है, मोतिहारी इकाई रालोसपा की है जो वो भी बहुत बड़की है, लगातार प्रदर्शन वो भी कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस में औरंगाबाद सीट को लेकर जो घमासान मचा हुआ है वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। पहले भी यह कार्यकर्ता सीटों के ऐलान के बाद सदाकत आश्रम में आकर प्रदर्शन कर चुके थे। निखिल कुमार की भी बहुत इच्छा थी यहाँ से चुनाव लड़ने की। वरिष्ठ हैं, गवर्नर रह चुके हैं और अब दिल्ली का दौरा कर रहे थे ताकि कोई आखिरी उम्मीद जो जीवित हो उसे बचा सके। जो भी नेता उम्मीद में थे कि सीटें मिलेंगी, जिन्हें सीट नहीं मिली वह लगातार दिल्ली के दौरे लगा रहे हैं कि जो बची हुई सीट है उसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। निखिल कुमार को कहीं और नहीं भेजा जा सकता। एक वाल्मीकि नगर की सीट ऐसी बच रही है जहां पर कोई उम्मीदवार नहीं दिखता, तो नेता जो हैं जो जिन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। मगर औरंगाबाद में नाराज़गी कुछ इस कदर बढ़ जाएगी यह खुद निखिल कुमार ने भी नहीं सोचा था। समर्थक उनके साथ, निखिल कुमार दिल्ली से लौटे थे, समर्थक औरंगाबाद से आए और सदाकत आश्रम में प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि कांग्रेस नेता तो क्या, बड़े बड़े पदाधिकारी भी इन्हें संभाल पाने में कामयाब नहीं हो पाए। शक्ति सिंह गोयल बहुत ही शांत और सहज स्वभाव के माने जाते हैं। उनका मानना था कि इनसे छिपने के बजाय सही ये होगा कि इनसे बात की जाए, इन्हें समझाया जाए, मगर आक्रोशित कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं थे। लगातार लालू का एजेंट होने का आरोप लगा रहे थे और चोर भी बतला रहे थे उन पदाधिकारियों को जिनके हाथ में सीटों के फैसले का की जिम्मेवारी थी। इस प्रदर्शन में निखिल कुमार ने भी बीच बचाव किया, बाद में अपने समर्थकों से नाराज हुए, माफ़ी तक मांगनी पड़ गई और अब आगे क्या उस मांग पर खड़े उतरेंगे या फिर महागठबंधन के कैंडिडेट को मजबूत बनाने में जुटेंगे या तो देखना होगा। लेकिन दूसरी ओर औरंगाबाद सीट से एनडीए पूरी दम लगाए हुए है। पहले अमित शाह की रैली हुई, सुशील सिंह सांसद बने हैं भाजपा से, अब नीतीश कुमार की भी आज रैली हुई वहाँ पर, तो सुशील सिंह कोई कमी नहीं छोड़ रहे, पूरा दम लगाया हुआ है एनडीए ने। दूसरी ओर औरंगाबाद में महागठबंधन में फूट दिख रही है साफ तौर पर, तो इससे मुश्किलें तो महागठबंधन की ही बढ़ेगी। और भी कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी महागठबंधन के भीतर हो गया है,
कांग्रेस राजद के उम्मीदवार को नहीं पसंद कर रही, राजद कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं पसंद कर रही, और जहां अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं वहां इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उन्हें नहीं पसंद कर रहे। विरोध अभी से हो रहा है, वोट शिफ्टिंग की तो बात छोड़िए। वोट शिफ्टिंग में NDA सिर्फ एक ही जगह कमज़ोर पड़ रहा है, वो सीतामढ़ी है, जहाँ पर ऐसा आरोप लगाते हुए कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर वरुण कुमार ने JDU को पैसे दिए थे, वह कुबेर पुत्र हैं, इस बात से नाराज़ और भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध से नाराज़ डॉक्टर वरुण कुमार ने अपनी मिली हुई टिकट को वापस लौटा दिया, जिसके बाद भाजपा के ही कैंडिडेट को JDU में शामिल कराकर वहां से उम्मीदवार बनाया गया। औरंगाबाद में क्या हालात होते हैं यह अभी तक साफ नहीं है, मगर उपेंद्र प्रसाद प्रचार में लगे हैं। जमीनी हकीकत बहुत हद तक बताती है कि उपेंद्र प्रसाद का प्रचार मजबूत है, लेकिन उतना ही मजबूत सुशील सिंह का भी है। और जो औरंगाबाद में निखिल कुमार के समर्थक नाराज़ चल रहे हैं वो तो नाराज़ हैं ही। निखिल कुमार का भी एक बहुत बड़ा कद है, पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं, पिता भी राजनीति में एक बड़ा कद रखते थे, कांग्रेस ने इतना भरोसा किया कि पहले गवर्नर बनाया, लेकिन आखिरी दौर राजनीति के आखिरी दौर में इच्छा थी कि औरंगाबाद से चुनाव लड़कर संसद पहुँचें, माहौल और समीकरण भी ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे होंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। और हुआ नहीं तो नाराज़गी का मंजर जो है वो तो जग जाहिर है। तो महागठबंधन वैसे ही कई परेशानियों से जूझ रहा है, जिस बीच अब औरंगाबाद की सीट एक और परेशानी का सबब बन गई है। बहुत लेट से लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो किया, मगर वो दो जगह से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। एक जगह से उन्हें अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। जो दूसरे उम्मीदवार है ब्रजेश कुशवाहा, वो बहुत ज़्यादा जाने माने चेहरे नहीं हैं। और भूदेव चौधरी, जो पहले चरण में जम्मू में चुनाव होना है, वहाँ से ऐलान, तो कहीं ना कहीं इस भी आंकड़े से लगता है कि रालोसपा को भी उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन आकाश सिंह 27 साल के हैं, बहुत यंग हैं, और उनके सामने है बहुत वरिष्ठ राधा मोहन सिंह, जो भाजपा में एक वरिष्ठ पद रखते हैं, बहुत वरिष्ठ दबाव रखते हैं और एक भूमिका बहुत बड़ी है उनकी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री। देखना होगा वहाँ पर कि युवा और बुजुर्ग यानी कि वरिष्ठ की टक्कर में जीत किसकी होती है। मगर रालोसपा में वहाँ एंटी इनकम्बेंसी, महागठबंधन में रालोसपा जो है वो समर्थन नहीं दे रही, और जब अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता समर्थन नहीं देंगे तो फिर जीत पाना, जीतने की राह इतनी आसान नहीं हो पाएगी। इसी तरह अन्य सीटों पर भी जो वोट ट्रांसफ़र है वो महागठबंधन में मुश्किल लगता है। नवादा में राजद का किला बचाने के लिए राबड़ी देवी को आज खुद उतरना पड़ा, वो नवादा गईं। विभा देवी, जो कि राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार किया, वोट मांगा, जनता में जागरूकता फैलाई कि वोट करना चाहिए, और दूसरी ओर यह भी कहा कि भाजपा जो है वो वोट का गबन कर फायदा उठा ले जाती है। नीतीश सरकार को भी खूब घेरा, साथ ही साथ सॉफ्ट कॉर्नर लेने का प्रयास भी की। लालू प्रसाद यादव की बीमारी का जिक्र हुआ, यह भी कहा कि मैं भी आजकल बीमार रहती हूँ इसलिए जनता के बीच ज़्यादा नहीं आ पाती, लेकिन यह भूमिका आपकी है कि आप कैसे हमारे उम्मीदवार को जिताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। महागठबंधन और ख़ासकर नवादा सीट की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी नेताओं से कहा है कि वह अपने अपने दौरे इस सीट पर ज़रूर लगाएं, यहां ज़रूर प्रचार करें, यहां ज़रूर जनसभाएं करें और विभा देवी को जिताने में मदद करें। विभा देवी पर तो फोकस है ही, अन्य कैंडिडेट्स पर भी फोकस है। मुकेश सहनी अभी अपने क्षेत्र में है, लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, मगर जिस तरह से नई पार्टियां महागठबंधन में शामिल हुई, नए उम्मीदवार सामने आए, उससे कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें नाराज़गी है। और कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो यह कहते हैं कि जब 9 ही सीटों पर लड़ना था तो पूरे प्रदेश में इकाई को इतनी मजबूती क्यों किया, इतना काम क्यों कर रहे थे। और वो कार्यकर्ता ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस की ज़्यादा शक्ति है, लेकिन लालू यादव के आदेश और विचारों के तले कहीं ना कहीं कांग्रेस दब गई है और दबती जा रही है। इस बीच कांग्रेस का फ्यूचर कैसा हो पाएगा यह देखना उन कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इन तमाम चीज़ों की बातें मीडिया के गलियारों में और जनता के बीच भी चल रही है। कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करना चाहती है, कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं, मगर उम्मीदवार तो उतने ही हैं और सीट उतनी ही है, मगर पार्टियां कई सारी हैं। स्थिति बहुत ही नाजुक सी बनी हुई है, लेकिन महागठबंधन हर वक्त ऑल इज़ वेल का नारा दिए हुआ है। अब वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब वोटिंग हो जाएगी और यह फैसला EVMs में कैद हो जाएगा कि आपने किसे जिताया है, किसे सरकार में भेजा है।
इन तमाम गतिविधियों, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र है और बहुत बारीकी से हम इन चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी एनालिसिस, जो भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और तभी तो आपने हमें बिहार में नंबर वन बनाया है यूट्यूब पर लाइव सिटीज़, वेबसाइट में livecities.in। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। आज बिहार की बात में बस इतना ही। शुक्रिया।